सबसे पहले देखते हैं दाना मिश्रण में क्या क्या मिलाना चाहिए। इसे बनाने के लिए अनाज मक्का जौ जई गेहूं 35 से 45 भाग, खली अलसी सोयाबीन आदि 20 से 25 भाग, अन्य सह उत्पाद गेहूं का चोकर धान का कना आदि 30 से 35 भाग, नमक एवं खनिज मिश्रण 1 से 2 भाग की आवश्यकता होती है। इनमें से किसान भाई उपलब्धता के अनुसार अवयवों का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज जो हम दाना मिश्रण पशुओं के लिए बनाने जा रहे हैं उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सरसों की खल, बिनौले की खल है जिसको कपास की खल बोलते हैं या कॉटन सीड केक कहा जाता है। तीसरा हम इसमें घटक इस्तेमाल करेंगे मक्का, मक्के का दाना हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये गेहूं का चोकर है जिसको इस दाना मिश्रण में मिलाएंगे। इसके बाद हम दाना मिश्रण को बनाने के लिए मिलाएंगे नमक और अंत में इसमें डालेंगे खनिज मिश्रण, ये मिनरल मिक्सचर भी कहा जाता है इसको, जो कि बाजार में किसी भी आप ब्रांड का खरीद सकते हैं। ये 90 रुपए से 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो तक के आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। एक कुंटल दाना मिश्रण बनाने के लिए इन सब घटकों का कितना कितना भाग आपको लेना है आइए देखते हैं। चरण एक, सभी घटकों को निश्चित अनुपात में तौलना। एक कुंटल दाना मिश्रण बनाने के लिए 25 किलोग्राम मक्का, 25 किलोग्राम सरसों की खली, गेहूं का चोकर 33 किलोग्राम और बिनौले की खली यानी कपास की खली 15 किलोग्राम तौल लेंगे। चरण दो, मक्का और खली को चक्की में धरना। मक्का और खली को दाना मिश्रण में मिलाने से पहले मोटा दरदरा पीसना जरूरी होता है ताकि वो अच्छे से दाना मिश्रण में मिलाया जा सके। इसलिए सबसे पहले मक्के को दरदरा पीस लेंगे। इसके बाद हम बिनौले और सरसों की खल को भी चक्की में बारीक दरदरा करते हुए पीस लेंगे। ये हमने सरसों की खल को दर लिया है, ये थोड़ा बारीक हो गई है इससे इसको मिलाने में आसानी होगी। ये बिनौले की खल भी चक्की में दर चुकी है जिससे इसका साइज छोटा हो गया है। चोकर को आपको पीसने की जरूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही मिला सकते हैं। ये मक्का भी हमने दर लिया है चक्की में जैसा आपने देखा, और ये दरने के बाद हमारा मक्का बिल्कुल तैयार है। सभी घटकों को मिलाकर मिश्रण बनाना। इनको अब आपस में हमको मिलाना है। एक क्विंटल दाना मिश्रण बनाने के लिए 33 किलोग्राम गेहूं के चोकर को समतल जगह पर पहले फैला देंगे। इसके बाद इसके ऊपर 25 किलोग्राम दरी हुई सरसों की खल डाल देते हैं जिसे इस चोकर के ऊपर पूरी तरह से फैला दिया जाता है। इसके बाद 15 किलो बिनौले की यानी कि कपास की खल को इसके ऊपर डाल दिया जाता है जो कि पहले तरी गई थी, और अब इसके ऊपर हम 25 किलोग्राम दरा हुआ मक्का डाल देंगे। इस प्रकार सबसे नीचे 35 किलोग्राम गेहूं का चोकर, फिर 25 किलो सरसों की खली, फिर 15 किलो बिनौला की खली और सबसे ऊपर 25 किलो मक्का इसमें डाल दिया गया है। अब किसान भाइयों, अगले चरण में हमको इसको अच्छी तरह से आपस में मिला देना है। तो देखिए, इसको आप पलट पलट के आपस में मिलाते जाइए। एक तरफ से आप चालू करिए, देखिए इस प्रकार से आप इन सभी को पलटते जाइए बेलचे की सहायता से, और आपस में इसको पूरी तरह से इस ढेर को पलट कर पूरा मिला लें। एक बार सारे मक्का चोकर और खल आपस में सारे इसमें मिल चुके हैं, इसके बाद 1 किलो मिनरल मिक्सचर के पैकेट को इस पूरे ढेर के ऊपर छिड़क देंगे जिससे 100 किलो
दाना मिश्रण में 1 किलो मिनरल मिक्सचर हमें मिलाना है और इसके ऊपर पूरी तरह से इस प्रकार इसको छिड़क देंगे और अंत में 1 किलो नमक अब इस दाने के ढेर के ऊपर डाल देंगे। नमक और मिनरल मिक्सचर डालने के बाद अब पुनः इस ढेर को हम दूसरी बार मिलाएंगे ताकि नमक और मिनरल मिक्सचर पूरे दाने मिश्रण में समान रूप से वितरित हो जाए। खनिज मिश्रण और नमक को मिलाने के बाद पुनः एक बार दाना मिश्रण को मिलाना चाहिए ताकि दाना मिश्रण में सभी पोषक तत्वों का समान वितरण हो सके। अब ये किसान भाइयों, हमने इसको 3-4 बार इसको मिलाने के बाद ये अब हमारा दाना मिश्रण पशु को खिलाने के लिए तैयार हो चुका है।